गाइस, तो अगर आप लोगों ने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब कि आप लोग भी अपने लैपटॉप की हीटिंग प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इसी चीज़ का सलूशन निकालते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं लैपटॉप कूलिंग पैड। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने लैपटॉप कूलिंग पैड को बनाने से पहले हम लोग पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे। तो जल्दी से मैं इसका ब्लूप्रिंट बना लेता हूँ। तो गाइस, हमारा ब्लूप्रिंट बनकर तैयार हो चुका है, जैसा कि आप सभी लोग अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो गाइस, अब आप लोगों को एक कार्डबोर्ड का शीट लेना है, जिसके ऊपर आप लोग को अपने लैपटॉप को रखना है और अपने लैपटॉप की साइज के हिसाब से अपने कार्डबोर्ड के पीस को कट आउट कर लेना है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने किया है। तो जल्दी से हम लोग अपने कार्डबोर्ड की शीट को कट आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने कार्डबोर्ड के पीस को कट आउट कर लिया है, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो गाइस, अब आप लोगों को अपने कार्डबोर्ड की शीट के ऊपर कंपास की हेल्प से दो सर्कल्स को ड्रॉ कर लेना है, जो कि कुछ इस प्रकार दिखाई देंगे, जिसके बाद उनको आपको कटआउट कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को दो सीपीयू फैंस चाहिए होंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई नॉर्मल फैंस भी ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को इन सीपीयू फैंस को कटआउट एरिया के ऊपर कुछ इस तरीके से रख देना है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को कुछ नट्स लेने होंगे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। इन नट्स को आप लोगों को अपने सीपीयू फैंस पे लगा लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ पे बोल्ट्स लेने होंगे और उनको भी अच्छी तरीके से कस लेना है अपने सीपीयू फैंस में। कसने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अपने सीपीयू फैंस को अच्छी तरीके से लगाने के बाद आपका जो पैड होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को यहाँ पे चार कार्डबोर्ड की स्ट्रिप्स की ज़रूरत होगी। हमें दो लंबी स्ट्रिप्स और दो छोटी स्ट्रिप्स चाहिए होंगी, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन सभी स्ट्रिप्स को अच्छी तरीके से जोड़कर हम लोग एक कार्डबोर्ड का फ्रेम बनाएंगे अपने लैपटॉप कूलिंग पैड के लिए, कुछ इस प्रकार से। अब हम लोग यहाँ पे दो LED बल्ब्स को लेंगे, जिन्हें हम लोग अपने CPU के इस पॉइंट पे अच्छी तरह से लगा देंगे। अब हमें दो N20 गियर मोटर और दो कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स की ज़रूरत होगी, जिन्हें हमें कुछ इस प्रकार से जोड़ लेना है। अब आप लोगों को दो पेन के टुकड़े लेने हैं और उन्हें अपने कार्डबोर्ड के फ्रेम के दोनों साइड्स पर अच्छी तरीके से लगा लेना है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पीछे आप लोग N20 गियर मोटर्स भी देख पा रहे होंगे। अब आप लोग को एक वुडन का टुकड़ा लेना है और उसे अपने पेन के टुकड़े के अंदर कुछ इस तरीके से डाल लेना है। उसी तरह से आपको दूसरे वाले के साथ भी करना है। लगने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब हम लोग अपने लैपटॉप पैड के दोनों हिस्सों को अच्छी तरीके से जोड़ लेंगे, कुछ इस तरह से, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं। लगने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हमने दो N20 के मॉड्यूल्स, दो एग्जॉस्ट फैंस, दो LED बल्ब्स और दो पेन के टुकड़े लगाए हैं। अब हमें एक चार्जिंग मॉड्यूल, एक DP/DT स्विच, एक नॉर्मल स्विच और कुछ कार्डबोर्ड रोल्स के टुकड़े चाहिए होंगे। इन कार्डबोर्ड रोल्स के टुकड़े को हम लोग अपने कार्डबोर्ड फ्रेम के ऊपर एक के बाद अच्छे रूप से लगा लेंगे, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं। लगने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिप भी जोड़ ली है। अब कुछ इसका डेकोरेशन कर लिया है और ये बनकर तैयार हो चुका है। तो वक्त आ चुका है जब हम लोग अपने लैपटॉप पैड की टेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसकी LED लाइट्स को देख सकते हैं,
जो कि कुछ इस तरह से दिखती हैं रात को। अब फ्रेंड्स आप लोग इसके स्लाइडिंग अप मोड को देख पा रहे हैं कि कैसे ये अपने आप ऊपर उठ जाता है और ये नीचे भी हो जाता है, जिससे आप लोग अपने लैपटॉप को सेट कर सकते हैं। अब लैपटॉप को रख के देखते हैं, देख सकते हैं लैपटॉप अच्छे से रख दिया है। अब लैपटॉप को खोलते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स मैं आप लोग को इसे चारों ओर से इसके लुक्स दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं चारों ओर से हमारा लैपटॉप इसके ऊपर कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो हमारा लैपटॉप पैड है ये अच्छी तरह से हमारे लैपटॉप को कूल करेगा, नीचे से हमने जो फैंस लगाए उसे अच्छी तरह से कूल करेंगे। जो हम लोगों ने लाइटिंग लगाई है इसके नीचे उसे और अच्छा बना देती है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको ये लैपटॉप कूलिंग पैड बहुत अच्छा लगा हो। तो अब इस वीडियो को एंड करने का वक्त आ चुका है, तो मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट के साथ किसी नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।